कब से मेहनत कर रहे हो इस घोड़े के लिए? जी मसाज करते हैं इसको? हाँ, दिन रात मसाज करना पड़ता है। अरे बहुत बढ़िया, ये तो मजबूत हो जाएगा। हाँ, बहुत मजबूत हो जाएगा। कितने घंटे तक के इसका मसाज चलता है? 2 घंटे। 2 घंटे कंटिन्यू सुबह शाम? सुबह शाम 2 घंटे। वाह, सिर्फ घोड़े का मसाज देते हैं क्या और भी जानवरों का? घोड़े का फिर सारे, सिर्फ घोड़े का। अच्छा, सिर्फ घोड़े का देते हैं, रेस उस में जाते हैं इसलिए। अच्छा, मसाज के अलावा और कैसे सेवा होती है इसके? काजू बादाम दूध, काजू बादाम दो साथ खिलाते, फिर 5 लीटर दूध। अच्छा, तो देखिएगा जो इस तरीके से इसका जो है वो सेवा किया जा रहा है, अब इतना सेवा होगा तो ये तो नंबर वन निकलेगा ही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। एक और वीडियो में वापस आप सबका स्वागत है। और सोनपुर मेला, जैसा कि सबको पता है, पशुओं को लेकर सबसे प्रसिद्ध है ये मेला, और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे एशिया में सबसे नंबर वन पे आता है ये मेला। और अभी हम है घोड़ा बाजार में, और आइए आपको मैं मिलवाता हूँ एक व्यापारी से। ये पीछे जितना भी देख रहे हैं सारे उन्हीं के घोड़े हैं, और घोड़े की नस्ल क्या है, रेट क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है घोड़े व्यापारी, आ जाइए। क्या नाम है आपका? विजय भगत। कितने घोड़े हैं आपके? 40 घोड़ा लेके आए थे। 40 घोड़ा लेके आए? लगता है बड़ा व्यापारी है आप। जी, कितने टाइम पहले आए थे सोनपुर मेला में? 4 दिन हो गया सर। 4 दिन हो गया जी। चलिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा घोड़े के बारे में बताइए आप। घोड़ा हम लोग लाते हैं मेला में बेचने के लिए। जी जी, जो आता है खरीद के लेके जाते हैं। चलिए, ये आप ही का घोड़ा? जी, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, इसका निकालिएगा तो दिखेगा। ये शुद्ध सिंधी नस्ल का घोड़ा है। अच्छा, ये सिंधी नस्ल का घोड़ा है। इसकी हाइट की बात करें तो क्या हाइट होगी? 60 इंच की हाइट है इसका। 60 इंच की हाइट है जी। और कितने दांत हुआ है इस घोड़े का? ये उम्र 4 दांत हो गया है सर। 4 दांत हो गया है जी। क्या डिमांडिंग है इसके? इसका डिमांड 1,10,000 है सर। 1,10,000 जी। हालांकि अच्छा हट्ठा कट्ठा घोड़ा दिख रहा है आपका। जी, ये देसी घोड़ा हुआ, खगड़िया जिला का घोड़ा है। खगड़िया, हम लोग खगड़िया से आते हैं जी। जी, हर साल मेला में आते हैं, घोड़ा बेच के चले जाते हैं। ये भी आपका ही है जी? ये क्या है, घोड़ा है या घोड़ी है? घोड़ी चाहिए ना, बच्चा बछेरी है। अच्छा, बछेरी है जी। क्या नाम रखे हैं इसका? इसका नाम ऐसे अभी रखे नहीं है, काजल। काजल, काजल कहते हैं। बताया क्या नाम रखा है? काजल। काजल, काजल। काजल तो वायरल भी है जी। हाँ, वायरल भी है। वायरल गर्न है। हाँ, ये वायरल हॉर्स हो गया। हाँ, ये हॉर्स हो गया जी। तो घोड़ी है ना जी? तो घोड़े, ये जो है जानवरों में घोड़ी है जी, वो इंसानों में घोड़ी है। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने महीने का है ये? ये अभी 7 महीने के बच्चा है। 7 महीने का बच्चा है। क्या डिमांडिंग कर रहे हैं इसका? इसका 75,000। 75,000। नस्ल कौन सा है? नस्ल देसी नस्ल है। अच्छा, नस्ल देसी है जी। चलिए, खगड़िया डिमांड हुआ। आइए इधर, बहुत ही बड़े बड़े और हाइटेड घोड़े दिख रहे हैं आपके। क्या है, घोड़ा है या घोड़ी है? ये घोड़ी है। घोड़ी है ये जी सर। क्या नाम रखे हैं इसका? इसका नाम झांसी की रानी। झांसी की रानी जी। कितने साल का है ये? ये 4 साल का है, 2 दांत है। 4 साल का है, 2 दांत है। 4 साल में तो 4 दांत होना चाहिए ना? आ? 4 साल में तो 4 दांत होने चाहिए। नहीं, 2 ही दांत है, अब दांत बदल देने वाला है, 4 दांत होने वाला है। 4 दांत होने जी, वाला अभी हुई नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाइटेड क्या है, हाइट क्या है? हाइटेड 55 इंची है सर। 55 इंची जी है। और ये सब क्या टमटम वगैरह में चलने जी वाला? नहीं, चढ़ने वाला है। चढ़ने वाला घोड़ा जी। बारात उरात करती है, शादी में जाते हैं, रेस वगैरह लगाती, रेस है? लगाती है। क्या चाल है इसका? चाल है 35 की स्पीड है इसके। 35 का स्पीड जी। क्या डिमांडिंग है इसका? 1 लाख। 1 लाख डिमांड कर रहे हैं। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे तो बहुत प्यारे प्यारे घोड़े सब हमारे घोड़ा है। आइए आइए आइए, ये भी घोड़ी है जी। ये तो रंगीन दिख रहा है, इसका कलर कौन सा है? ये नीला सब्जा हुआ। नीला सब्जा हुआ। हाँ। ये पहली बार देख रहे हैं। मखिया साबुज बोलता है इसको। मखिया साबुज जी। बहुत, ये भी घोड़ी ही है? ये घोड़ी भी है। आपके पास में घोड़े कितने और घोड़ियाँ कितने हैं? घोड़ा एक ही बचा है। अच्छा, और घोड़ा बिक गया है, बाकी सब घोड़ी सब बचल है। इसका तो जो फेस है वो भी बड़ा प्यारा दिख रहा है जी। देखिए, सुंदर दिख रहा है। ये क्या लाल है, इसको कलर किया? ये नहीं, हम लोग के दिवाली में जो होता है ना, अच्छा, रस्सी डोरी बदला जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें थोड़ा सिंगार पिटार कर दिया जाता है। छड़हट दिख रही है एकदम जी। क्या रेट लगा रहे हैं इसका? इसका 75,000। 75,000 लगा जी। रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा हाइट है इसके भी जी। अभी बढ़ेगी ये और बढ़ेगी। इसका क्या नाम रखे हैं? नाम हम लोग कितना को रखेंगे सर? प्यार से तो बुलाते होंगे ना? प्यार से कुछ नहीं, अब मंथ के चलिए हम भी खरीदते हैं, खरीद के बाजार ले आते हैं, बेचते हैं मेला। जी जी जी। कितना को नाम रखेंगे? इसका कौन सा नस्ल है? ये सब देसी नस्ल का है। देसी नस्ल का है जी। क्या रेट लगा रहे हैं नस्ल? इसका रेट क्या लगा रहे हैं? इसका 65,000।
65,000 रुपए लगा रहे हैं जी। सोनपुर मेला में हर साल आते हैं या इस बार? हर साल आते हैं सर। हर साल आते जी। तो प्रॉफिट होता है यहाँ पे? प्रॉफिट हो जाता है सर। हो जाता जी। है। ये भी बछड़ी दिख रही है? इसी का बच्चा है। इसी का बच्चा है जी। अच्छा, इसने बच्चा दिया है जी। कितने साल का है ये? ये अभी 6 महीना का है। 6 महीने का हो गया है। क्या प्राइस लगा रहे हैं इसका? इसका 65,000। 65,000। चेतक का बच्चा है। अच्छा, चेतक का बच्चा है। आइए, किधर भी है, ये भी घोड़ी ही है जी। अच्छा, कहा जाता है कि घोड़ा घोड़ी के पीछे नहीं चलना चाहिए, उसका रीजन क्या है, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। पीछे जैसे है कि मतलब जो खिलाता पिलाता है उसको नहीं मारता है। अच्छा, जो नहीं खिलाता है वो अगर पीछे आ गया तो हो सकता है जानवर है लात मार देगा। चलिए, ये कितने दांत का है? ये जवान है। जवान है, मतलब 4-5 साल से ऊपर? 5 साल से 6 साल उम्र हो गया इसका। 6 साल उम्र हो गया है। और नस्ल कौन सा है? मुल्तानी सरेसा बोलता है इसको। और कलर जो है वो? ये कुमैत कलर हो गया। कुमैत कलर हो गया। क्या डिमांडिंग है इसकी? 1.5 लाख का कीमत है इसका। 1.5 लाख कीमत है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसको कुछ अलग खिलाते हैं, ये अलग ही कुछ नहीं दिख रहा है। जी नहीं, सब को एक ही समान पाला जाता है, सब हमारे लिए प्यारा है। क्या खिलाते हैं ये सब घोड़े घोड़िया को? चोकर, भूसा। अच्छा, चना खिलाते हैं कि नहीं? चना? चना तो नहीं खिला पाएंगे, लेकिन कहा जाता है घोड़ा घोड़ियों घोड़ा जैसे हम लोग के पास 30-40 जानवर होता है, कितना को चना खिलाएंगे? ये भी बात, व्यापारी लोग हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, ये सच्ची बात कहा जी। चलिए, और कौन से घोड़े दिखाइए। ये देखिएगा, इधर भी जो है वो, ये भी घोड़िया ही है जी। घोड़िये है। कौन सा नस्ल है ये? ये शुद्ध सरेसा है। सरेसा है, चेतक नस्ल। और कलर जो है ये भी कुमैत है? ये भी बादामी कुमैत हुआ है। बादामी कुमैत जी। चलिए, अबलग बोल सकते हैं क्योंकि इधर देखिए। हाँ, अबलग भी हो सकता है। बराबर, कितने दांत का है ये? 4 दांत है सर। ये भी 4 दांत जी। क्या डिमांडिंग है इसके? इसका 70,000। 70,000 जी। तो गाइस, आप देख रहे हो, अगर आपको घोड़ा घोड़ी पसंद आ रहा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आगे वीडियो में बने रहिए, ये अपना नंबर भी देंगे आपको। ये कौन से नस्ल का? ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। हाँ, सिंधी नस्ल, मरवाड़ी नस्ल का है। मरवाड़ी नस्ल का जी। इसका तो फेस बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। अच्छा, घोड़ा मारता भी है जी? नहीं मारेगा, क्यों? लात चलाता है। अंठिया आदमी आता है जो नहीं खिलाता पिलाता है। जैसे गाय भैंस होता है वो मारता है, सिंग से मारता है जी। पैर से मारता है, ये पैर से मारता है जी। मतलब मारता ये भी है, ये जी है। इसीलिए कहा जाता है घोड़ा घोड़ी के नहीं मारता है। पुलिस के आगे या घोड़े के पास मत चलिए, मत चलिए, कोई ठिकाना नहीं है, तब क्या कर लेगा, आरी की तरह दोनों बगल धार रहता है। सही बात है। कितने दांत का है ये? ये 2 दांत का है। 2 दांत हो गया। क्या डिमांडिंग है इसका? प्राइज है 2.25 लाख। 2.25 लाख रुपए प्राइज मांग रहे हैं। नहीं, ये है, कीमती होना चाहिए। ये किनका है? ये शंकर बाबू का है। ये आपका घोड़ा है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शंकर यादव। अच्छा, एक ही घोड़ा है? हाँ, एक ही घोड़ा है। घोड़ा की घोड़ी है? घोड़ी है, घोड़ी है। कौन सा है? इसका प्रजाति कौन सा है? ये भूटानी है। अच्छा, भूटानी है, इसीलिए थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है ये। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हो किस तरीके से ये दिख रहा है। और कितने साल का है ये? ये 4 साल का। 4 साल का है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसका? डिमांड तो बहुत कम है अभी। बोलिए। पहले बहुत था लेकिन बाजार में कोई दम नहीं बुझा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसका जो रेट है थोड़ा गिरा दिए हैं आप? गिरा दिए हैं, किसी तरह बिक जाता है, ले जाने में भाड़ा बहुत लगेगा जी जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसका 65,000 रखे। 65,000। और सेवा कर रहे हैं? देखिए, क्या कर रहे हैं ये घोड़े को? ये सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, इससे क्या होता है? बाल साफ होता है? बाल साफ होता है, इसका थकावट दूर होता है। अच्छा, थकावट दूर होता है, मतलब साथ में मसाज भी होता है। तो ये सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन रहा घोड़े को लेकर। और मैं चाहूंगा कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, कोई भी दर्शक अगर आपको घोड़े पसंद आ रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना नंबर बोलिए आप। नंबर सर 6200073815। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया जिला। नाम क्या हुआ? विजय भगत। चलिए, तो गाइस ये सारे इन्फॉर्मेशन रहा घोड़े को लेकर घोड़ा बाजार से। अगर आपको घोड़े पसंद आ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी व्यापारी से हम बात करते हैं उनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस मैं दे देता हूँ, ताकि मेला अगर खत्म भी हो जाते हैं, यानी मेला समाप्त भी हो जाता है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आपको घोड़े मंगा सकते हैं, अगर आपको घोड़े पसंद आ रहे हैं तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी जीते रहिए।